तो चलिए जी, सुबह सुबह हम जा रहे हैं सगाई के कार्यक्रम में। और सगाई के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो काम काज चल रहा है वो चल रहा है पंचायती भवन से बर्तनों को ले जाने का। और अभी तक हम लोग हमारे घर में बैठे हुए थे। और ये है दूल्हा जिसकी सगाई हो रही है। तो ये हमारे चाची, ये हमारे भाई साहब राजेश भाई, और ये हमारे अमित भाई पेरू से आए हैं। भाई भाई फोटो शूट भाई। तो हम लोग सगाई के कार्यक्रम में, और सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो है बर्तनों को ले जाने का। और चाची तुम्हें चला पार 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 नहीं चला पार नहीं चला। अच्छा चलो जा शुरू वाली सगाई माँ। अरे दादी इधर देख भाई, एटीट्यूड देखो यार। तो ये है भाई लड़का, कहते समय आएंगे बरात रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग है जाना बोले जान। सेक्रेट है भाई, गांव कौन सा है हमें भी नहीं मालूम। वैसे इसकी जरसा सुनने बता देता हमें। तो ये है पंचायती भवन यहाँ पे। दोस्तों आमों का भी सीजन है, और ये आम ऊपर से गिरा हुआ है, देखो पका हुआ है ये आम पका हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज पकी हुई है, ये देखिए किसी ने केले खा रखे हैं। ये देखिए पंचायती केले हैं, तो ये केले खराब हो रहे हैं। तो पंचायती केले खा सकते हैं भाई? अब यार यो कुछ चाहिए जरा, तो मैं किसी और को दे रहा हूँ भाई, देख लो। अरे वाला पंचायती है तो सभी खा रहे हैं। वैसे भी ये टूटा हुआ है, सड़ा हुआ है, कोई नहीं खाने वाला इनको। और इनको छोड़ रहा हूँ मैं, ये अभी पक रहा है तो कोई भी खा सकता है। लो भाई ले, ले ना ये चीज। तो अभी फिलहाल हम ले जा रहे हैं बर्तन, और पप्पू लोगों की बारी है भाई यहाँ पे फिलहाल इनकी रखवाली करने की। और आज का मौसम कुछ इस तरह से है, हवा चल रही है तेज, और बारिश भी हो सकती है। अब देखते हैं इसने पकोड़े खाए हैं, बदारा चाटा या कढ़ाई, भगवान मालिक है। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चले जी, मैं सुरेंद्र सूर्य रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है किशोर की सगाई के पहले दिन से। और शाम को है भाई पूरे गांव में भोज, तो उसके लिए हम ले जा रहे हैं बर्तन पंचायती भवन से। तो मेहंदी का कार्यक्रम भी होगा शाम को, और कल जाएगी इसकी बारात रुद्रप्रयाग की तरफ। तो दोस्तों आम के पेड़ में जा रखा है बंदर, और ये देखिए कितना पका हुआ आम गिरा रहा है ऊपर से। ये देखिए दूसरा आम भी, ये आम भी पक गए हमारे, और ये बड़े वाले आम है। ये देखिए तीसरा आम, ये देखिए तीन आम हो चुके हैं। और ये देखिए एक और आम यहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सड़ा लग रहा है मेरे को, ये सड़ा हुआ है। और भी देखिए, ये देखिए यहाँ ये भी थोड़ा खराब है, लेकिन ये दो तीन आम ताजे हैं। और एक चौथा आम भी देखिए, ये सारे पके हुए आम हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे आम कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ भी गिरे हुए हैं भाई। ये आम इतने जल्दी पक जाएंगे मैंने सोचा नहीं था, ये थोड़ा बासी लग रहा है मेरे को। ताजा आम और भी है, आगे ले आगे, ये आम पके हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे बहुत सारे आम पके हुए भाई, ये देखिए ये भी ताजा आम पड़ा हुआ है, ये थोड़ा बासी है। और भी ढूंढते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये भी ताजा आम है, और ये देखिए ये भी ताजा आम है, ये भी ये थोड़ा बासी लग रहा है। ये देखिए एक और आम यहाँ पे,
ये भी ताजा है, देखिए ताजा आम। तो बंदर ने इतने सारे आम नीचे गिराए हैं, अभी भी पके हुए आम, और मुझे मालूम नहीं था कि हमारा आम यहाँ पका हुआ है, और अभी अभी पता चला। तो दिन का खाना भी बन रहा है यहाँ पे, और ये सारे आम लेके आया मैं, और इतने ही आम मैंने वहाँ पे बांट दिए लड़कों को। आम अपनी मौसी के लिए ले आए, अब मौसी के लिए ला रखे हैं। तो सारे बर्तन निकाल दिए हम लोगों ने, और अब हम लोग ले जा रहे हैं इन बर्तनों को किशोर के घर वहाँ। चलो भाई किशोर की बारात में। और मेरे पास हैं ये कुर्सियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुर्सियाँ। और ये सारे आम इन बच्चों से पहले मैंने कलेक्ट कर दिए, बेचारे अब आ रहे हैं। तो हाउ डू यू डू गाइज, ये देखिए इस तरह से गांव में काम करना पड़ता है। ये कुर्सियाँ मुझे कुछ इस तरह से ले जानी पड़ रही है। तो गाइस ये पसीना ही पसीना आ रहा है। तो ये सारी जितने भी बर्तन हैं यहाँ पे, कुर्सियाँ हैं, ये लेके आए हम लोग। ये हमारे मास्टर जी, इन्हीं के छोटे भाई की सगाई हो रही है। और फिलहाल हम लोग तो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ पे छोने अड़वा करता था, लेकिन अब सही है। ये कुर्सियाँ हमने बिछा रखी है, और भाई हमारा पहल करो नो 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 पहल करो जब भाई कबर कताल पहले बात लिए यमबटिन भाई यमबटिन जब हमारा जब गांव में आते थे और एक पहचान होती थी गांव की, दूर से ही दुर्गंध आती थी। हाँ, दुर्गंध रस्तों में स्वागत होता था। इतना इतना था कुल्लू हिसाब से नो 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 यमबटिन मती तक है नो 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 यू कैसे जाओ यहाँ लीडर अपवार होते थे। तो यार 10 बजे सुन रहे नहीं, 10 से पहले 2010 के आस पास हुए नहीं, क्या बोलते होते 15 साल से क्या बोलते टॉयलेट बनाना वो परंपरा आगण आगण घर नो 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 आगण घर बोल दिया क्यों गुजर का नहीं हो आगणालय शौचालय ये कह रहे थे हम कि शौचालय जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था वो तो कब से चलाया था, 2010 से चलाया था उसने, नहीं वो तो उसने चलाया था ना 2014 से, पहले भी था लेकिन पहले थोड़ा कम था, पर वो बाद में तो मोदी की देन हुई ना, मोदी ने ज्यादा फोकस किया इस चीज पे। मतलब मैं मोदी जी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वो तो चुनाव हो ही चुके हैं। तो पहुंच गए भाई हम शिरवाणी। तो ये है हमारा पुराना घर जो टूटा हुआ है, और यहाँ पे भी अब भविष्य में घर बनेगा। दादी प्रणाम, भैंस बेच ली आपको, क्या चलो घास दाद में शुक्रवार देनी क्या कैसे लोना घास अच्छा चलो अच्छी बात है, दादी चाची की मदद कर रही है। मैं तो मदद है, मैं कई जरूरत की बुआ। और ये चेयर ऊपर टकरा रही है, ये चुच्चा तेरा भाई बारात घर। कौन है भाई जी? ये बेटा कहीं नहीं जा रहा है, तो ये आ गए भाई हम घर में, और यहाँ तो गाड़ी आ रखी भाई। ये किसकी लड़की है भाई? ये गाड़ी इधर ही लागी। खुश रहो खुश रहो, अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? बस ये बहुत से बच्चे भाई। चाची प्रणाम, चाची को बताई हो लड़के की सगाई हो रही है। ये देखो ये मेरी मुखरी है, ये नहीं बदली भाई, ये जैसे की तैसी है शादी के बाद में है। पैसे दे तूने मेरे को पक्का? क्या नाम है मेरा? मेरा नाम क्या है? नाम नहीं बताता मैं अपना, नाम बता छोटा बाबू, नाम नहीं बताता मैं अपना ब्लॉग में।
देखो उनको याद है मेरा चेहरा। तो बब्बी बिहार की फिलहाल मेहमान। और कौन आया? ये हमारी बुआ श्रीनगर से। अबे यार मेहमान मेहमान सूखी चपाती खा रहे हैं। नहीं नहीं हमने तो खा लिया, पर ये है ना मकान मालिक जो है, देखिए सगा है ना जो दूल्हा दूल्हा उसके लिए सब्जी नहीं है। कोई बात नहीं, अब सब सब्जी बनाने वाले आ तो रही दुल्हन, अब ढूंढ रहे हम भी, शुरुआत हो गई। हाँ तो ये हमारी चाची भाई, बधाई हो चाची, तुम्हारा छोटा बनो सगा भी समझा कुरे ब्रात बो बोले ना ब्रात अमीन जाय। अच्छा कीर्तन तैयार तैयार होगी, कीर्तन तो प्याल होगी ना राज की चे देखो दो बिजर बोलो कौशा भूल बेटा चाची प्रणाम मिना तुम घूमण के क्या अच्छा बार बेटे बुआ रे बोल तब बेटे बैठे थे आराम से सास ससुरा है ना फोड़ गरम कर फोड़ तुम्हारे फोन था गरम बहुत ज्यादा यार बर्फ पैर तुम्हारी नहीं बर्फ पैर भाड़ लिया हमारे चाय दिखा भी नहीं था मा ये फिल्टर लाना पड़ी तो उजाल करना पड़ लू पर अम्मी को क्या भाई बोलो शाम की 5 बज गई भाई और यहाँ पे अब शाम के भोजन बनाने की तैयारी हो रही है। तो फिलहाल वहाँ पे दाल रख दिया है उस चूल्हे में भी 3 अलग अलग परिश्रम पे दाल रखी है। पानी की व्यवस्था भी आजकल ठीक ठाक है। बाकी सारे मसाले यहाँ पे तैयार हैं और अब बनाएंगे हम लोग यहाँ पे शाम का खाना। तो भाई खाना बनना शुरू हो गया है। ग्रेवी डाल दी भाई कचू प्याज लहसुन क्या ग्रेवी टोमेटो लग रहा है मेरे को ये टोमेटो काजू ये काजू हाँ ये काजू भी है टोमेटो उसमें वो बन रहा है बोल ना ये बोल ना जो बनी ग्रेवी। अच्छा हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, तो यहाँ पर सब्जी की कटिंग चल रही है। मैंने कहा हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, तबे तो ऊँच जगह पर आप तबे तो ऊँच जगह पर आप आएगी ना अब बुजुर्ग नहीं रहे अब लवी इसकी बोलो ये बुजुर्ग नहीं मिले ब्योह करे उम्र चला अरे समय चला गया अब रिंकू क्या खतरनाक लग रहा है भाई जूम कर रहा हूँ ऐसे ही आगे भाई अब रिंकू छोड़ दे रिंकू के पास सारी सब्जी तो भाई हमारा रिंकू भाई भी आ गया है। तो शाम का खाना बन रहा है, शाम के खाने की तैयारी चल रही है। प्याज टमाटर में हुई खीरा खा रहे हैं हम और अभी यहाँ पर खीरा कटिंग चल रही है। नीचे इस वाले चौक में खाना बन रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ भी लोग बैठे हुए मेहमान। अमित के पास खीरा कटिंग के लिए दे रखा है भाई। ये है रसोड़ा,
वहाँ पर सब्जी काट के रख दी है, वहाँ पर ग्रेवी तैयार हो गई है, पापड़ भी बन गए हैं और यहाँ पर बहुत सारा खाना बनने वाला है। व्यवस्था हो रही है शाम को कॉकटेल पार्टी के लिए। कॉकटेल पार्टी के लिए चिकन बन गया अभी तक, चिकन बन रहा है और ये बन रहा है पनीर। ये शाम को इस छत में बैठेंगे सारे के सारे। आप इंक्लूड होंगे कॉकटेल पार्टी में? नहीं नहीं, हम वो है पुराने पीछे वाले। तुम भी कुलाना पैदा रोशन ओपन वाले हमसे सलाद खाने वाले क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, मैं आज के ब्लॉग में बस आपको इतना ही दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है, पूरा आधे घंटे का ब्लॉग है और मैं जानता हूँ आपके पास आधे घंटे का ब्लॉग देखने का समय नहीं है। आपको मजा भी आया होगा लेकिन इसका जो पार्ट टू है वो मैं कल डालने वाला हूँ, यानी कि इसके बाद का जो पोर्शन है, जो भाग है, उसको मैं कल डालने वाला हूँ। कल का मतलब कल ही डालूंगा, इसमें कोई भी मैं स्पेस नहीं रखने वाला हूँ, कोई भी गैप नहीं रखने वाला हूँ। और परसों डाल दूंगा मैं किशोर की सगाई वाला ब्लॉग यानी इंगेजमेंट वाला। तो कल जाने का है बारात और बारात का भी पूरा ब्लॉग बनाऊंगा और उसको मैं दिखाऊंगा बिना गैप के। तो फिलहाल आज के लिए अनुमति दीजिए, उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री राम, शुभ रात्रि।